ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर तड़प कर मौत। यह घटना कासगंज आमपुर मार्ग का है। बता दें कि देवेंद्र कुमार, जिसकी उम्र 18 साल थी और वह रफ्तारपुर का निवासी था, देवेंद्र आमपुर रोड स्थित अपनी मौसी ब्रिजेश देवी के घर आया हुआ था और वह सुबह लगभग 5 बजे अपने मौसेरे भाई विशाल के साथ बाइक से आमपुर जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसके बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतना जोरदार था कि टक्कर लगने से दोनों ही बाइक सवार गंभीर घायल हो गए, जिससे देवेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस में मृतक और घायल को अशोक नगर चिकित्सालय पहुंचाई। सड़क हादसे में मौत की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने घरवालों को सूचना दी। घटना की सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए और शव को देखकर मां पुष्पा देवी और बहन पूजा और अन्य परिजन का रो रो कर बुरा हाल था। बता दें कि सड़क हादसे में शिकार हुए देवेंद्र अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसके पिता की मृत्यु 3 महीने पहले किसी बीमारी के चलते हो गई थी। उसकी मौत के बाद अब परिवार में मां पुष्पा देवी और बहन पूजा ही बचे हैं। देवेंद्र की मौत से मां और बहन पूरी तरह से टूट चुके हैं। उसकी बहन बार बार रोते रोते बेहोश हो रही थी। परिजनों को देवेंद्र से काफी उम्मीदें थी। देवेंद्र के चले जाने के बाद मां कह रही थी कि पिता के मौत के बाद बेटा तेरा ही सहारा था, तू ऐसे छोड़ के चला जाएगा पता नहीं था। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि देवेंद्र अपने घर का इकलौता बेटा था और उसके घर में माँ और बहन थी, जिससे बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन सड़क एक्सीडेंट में देवेंद्र की मौत हो गई। तो कृपया बाइक या कार चलाते समय ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करें, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। और आप सभी का इस घटना के बारे में क्या राय, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी छोटी बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।